सड़क पर चलते समय आपका ध्यान उस पर बनी पट्टियों पर जरूर गया होगा। ये पट्टियाँ सफ़ेद और पीले रंग की होती हैं। कहीं पर ये पट्टी एक सीधी में होती है तो वहीं कहीं पर ये टुकड़ों में होती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये पट्टी सड़क को दो हिस्सों में बांटने के लिए होती है, तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। लेकिन इन पट्टियों का काम सिर्फ सड़कों को दो हिस्सों में बांटने का काम नहीं होता, बल्कि इसके और भी मायने होते हैं, जिसे जानकर आप भी कहेंगे ये तो हम जानते ही नहीं थे। तो आगे जानने के लिए आप पूरा वीडियो देखिए। सड़क पर बनी इन सफ़ेद रंग की पट्टी का मतलब होता है कि आप जिस लेन में चल रहे हैं उसी में चलिए, दूसरी लेन में आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है। सड़क पर बनी टूटी सफ़ेद पट्टियों का मतलब होता है कि आप लेन बदल सकते हैं, लेकिन सावधानी के साथ और दूसरी गाड़ियों को इंडिकेटर इशारा देकर। अगर आपको सड़क पर एक सीधी पीली पट्टी दिखे तो समझ लीजिए कि आप दूसरी गाड़ियों को ओवरटेक कर सकते हैं, लेकिन पट्टी के उस पार नहीं जा सकते हैं। हालांकि अलग अलग राज्यों में इसके मतलब अलग अलग होते हैं। जैसे कि तेलंगाना में सड़क पर बनी पीली पट्टी का मतलब होता है कि आप लाइन के अंदर रहकर गाड़ियों को ओवरटेक नहीं कर सकते हैं। सड़क पर बनी इन दो सीधी पीली पट्टियों का मतलब होता है कि आप अपनी लेन में ही चले, लाइन पार कर उस पार नहीं जाएं। अगर आपको सड़क पर पीली पट्टी दिखे लेकिन टुकड़ों में दिखे, तो समझ लीजिए कि आपको टूटी हुई पीली पट्टी के ऊपर से गुजरने की अनुमति है, लेकिन सावधानी के साथ। कभी कभी आप देखते होंगे कि सड़क के बीचों बीच एक सीधी पीली पट्टी और एक टुकड़ों में बटी पीली पट्टी दोनों साथ साथ होती हैं। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप टूटी पीली पट्टी की तरफ गाड़ी चला रहे हैं तो आप ओवरटेक कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सीधी पीली लाइन की तरफ हैं तो आपको ओवरटेक की अनुमति नहीं है।